आपके बीच नदीम अहमद, पी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश मिश्रा जी, जो कि एक म्यूजिशियन है, और इनके बारे में कहना तो बहुत मुश्किल है। आइए इनसे बात करते हैं, ये खुद बताएंगे अपने बारे में। सर, पी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके देखने वालों को मेरा प्रणाम। नमस्कार नदीम जी। जी सर, जैसे कि आज ये प्रैक्टिस सीजन चल रहा है अपना, बिल्कुल किसी बड़े इवेंट की तैयारी चल रही है, हमने देखा, पहले से देखते आ रहे हैं और आगे भी चल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 9 अप्रैल जी, ये जो आ रही है, 2-4 दिन बाद ही है, 9 अप्रैल 2022, प्यारे लाल भवन ITO पे सरगम स्टार्स गुरुकुल एक बहुत बड़ा शो करने जा रहा है जी, जिसमें सरगम स्टार्स बैंड के कलाकार, ये सामने आप देख रहे होंगे प्रैक्टिस पर हैं, जो सालों से 35 साल 40 साल से ये काम चल रहा है, सब साथ दे रहे हैं और मैं उनको बड़ा खुशनसीब मान रहा हूँ कि जो लोग, जो आर्टिस्ट कहीं भी प्लेटफॉर्म नहीं ले पाते हैं और यहाँ पे आ रहे हैं गाने गाने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उनको सुने और आप वहाँ आएँ, पहले तो आप आएँ फिर सुने जी। अच्छा सर, जैसे कि नए कलाकार हमारे उभर के सामने आ रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे जो नए नए म्यूजिशियन म्यूजिक लाइन में आए हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? खूब सीखें, खूब तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, जैसे हम कर रहे हैं जी। मुझे तो 50 साल के करीब हो गया, फिर भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सारे बैंड को देख लीजिए, सब म्यूजिशन सारे प्रैक्टिस करते हैं, सारे सिंगर्स प्रैक्टिस करते हैं। मैं चाहूँगा कि सारे, जो भी, जब भी कभी भी आप शो करें या ये कार्यक्रम करें, म्यूजिकल शो करें, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें, खूब ढंग से सीखें और उसके बाद स्टेज पर जी। अच्छा सर, पी न्यूज़ के लिए क्या मैसेज देंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, नदीम में आए हैं और मैं क्या बोलूँ, आपकी तारीफ में आपके मुँह पर करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, पब्लिक करेगी वो देगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, आपने देखा डॉक्टर साहब ने अपने प्रोग्राम के बारे में भी बताया, 9 तारीख में इवेंट है, जिसमें आइए आप और अपना हुनर दिखाइए। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, कोई भी नया सिंगर अगर आता है लाइन में, सबसे पहले अपना एक गुरु चुनिए, क्योंकि बिना गुरु के शिक्षा अधूरी है। बिल्कुल, और गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु नियुक्त कीजिए अपना, गुरु से सीखिए और फिर प्लेटफॉर्म पे आइए। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ। जय उस पर आपका स्वागत है जी। सर, जैसे कि आज प्रैक्टिस चल रही है ये गुरुकुल में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो आपका आभार प्रकट करता हूँ कि PNews के माध्यम से जो सरगम स्टार गुरुकुल के संगीतार्थी हैं, उनको आप दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरीके से हम रियाज करते हैं, किस तरीके से हम रियाज करके एक अच्छे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं जी। सर, जो ये प्रैक्टिस सीजन चल रहा है, इसके बारे में जो नए सिंगर हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, नए सिंगर को या पुराने सिंगर, सबका एक ही मकसद होता है कि रियाज, संगीत में रह के हमने ये सीखा है। और क्योंकि 9 अप्रैल को सरगम स्टार गुरुकुल की तरफ से डॉक्टर रमेश मिश्रा जी के सानिध्य में और उनके को ऑर्गेनाइज़र राहुल टंडन जी और JKM साउंड वाले मनोज शर्मा जी और उनकी टीम के सदस्य नीरज भाटी जी, राधिका और दीपाली टंडन जी, ये सब लोगों ने प्रयास किया कि जो संगीतार्थी इतने समय से यहाँ संगीत सीख रहे हैं, उनको एक नया प्लेटफॉर्म और एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो इसके लिए 9 अप्रैल को एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है प्यारे लाल भवन में, शाम 5 बजे से, जिसके अंदर बहुत से इवेंट ऑर्गेनाइजर आमंत्रित किए गए हैं और बहुत से सिंगर, जो पॉप सिंगर है, जो टॉप के सिंगर है, वो आएंगे और इन संगीतार्थियों को सुनेंगे कि किस तरीके से गुरुकुल में ये संगीतार्थी तैयार हुए और किस तरीके से ये अपनी परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा सुमन नैयर जी, जैसे कि हमने आपके सिंगिंग सुनी है, आप भी बहुत अच्छे सिंगर हो और एक पॉलिटिशियन भी हो जी, तो दिल्ली सरकार ने कुछ स्कीमें निकाली है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सिंगर्स को लेके क्या दिल्ली सरकार का रुख दिख रहा है आपको? देखिए, सरकारें नए नए योजनाएं निकाल रही हैं, अब क्योंकि संगीत से जुड़े हुए हैं, तो हम तो डॉक्टर रमेश मिश्रा जी कहेंगे कि एक डेलीगेशन लेके जाए और दिल्ली सरकार के जितने जुड़े हुए प्रतिनिधि उनसे बात करें कि भाई जैसे वो फिल्म सिटियाँ बनाना चाहते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड बनाना चाहते हैं, ऐसे ही एक संगीत का भी वो कोई ऐसा योजना बनाए जिससे जो नए संगीतार्थी हैं, जो संगीत सीखते हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल सके जी। अच्छा, PNews के लिए क्या मैसेज देंगे सर?
पीरियड्स का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि पीरियड्स के माध्यम से वो कलाकार जो अभी तक घरों में रहते थे, घरों में गाते थे, जिनको बाथरूम सिंगर कहा जाता था, उनको एक नया आयाम देने जा रहा है पीरियड्स आपका इलेक्ट्रॉनिक चैनल। तो आपके माध्यम से हमारा संगीत और हमारी बात जन जन तक पहुँचेगी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद सर। बच्चे सीखने के लिए आते हैं और अभी लोकल को इवेंट होने वाला है, आप क्या बताना चाहेंगे राधिका जी? जी बिल्कुल, नमस्कार, मैं राधिका शर्मा सगन साथ बिल्कुल से ये बताना चाहूँगी कि हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारा जो शो आ रहा है नॉर्थ ट्रिप को आई टी ओ में प्यारेलाल भवन में हम आपसे मिल रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं हम। बस आप लोगों का वेट है कि आप आए और हमें आशीर्वाद दें, आप इंजॉय करें हमारे साथ, हमारी मेहनत को देखें। बस आपसे मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा है और आपसे बहुत जल्द मिलना चाहेंगे, तो आपसे मिलते हैं प्यारेलाल भवन में आई टी ओ में। इस पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रश्मि रावल है, बाय प्रोफेशन में इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। बहुत ज़्यादा शौक है मुझे क्लासिकल सीखना था, इसलिए मैंने अकेडमी ज्वाइन की। जी अच्छा, जैसे कि आप प्रैक्टिस में आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आप प्रैक्टिस को करते हुए और जो 9 तारीख का इवेंट है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम एक नॉर्मल इंसान होके आए थे, लेकिन एक आर्टिस्ट होने की फील यहाँ पर एकेडमी में आके मिली है। एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हुआ और सिंगिंग में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया जी। कुछ गा के बताएंगी मैम? जी आपका स्वागत है जी। सर क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? आज के प्रोग्राम है गुरुकुल है, सेकंड स्टार्स है, डॉक्टर रमेश शिक्षण सर के गुरु सर के अंदर में 9th अप्रैल को ऐसा प्रोग्राम है। आज रिहर्सल है अपने और सब रिहर्सल के लिए आए हैं, बैंड के साथ रिहर्सल कर रहे हैं, सब अपने अपने गाने उसके हिसाब से कलेक्शन के हिसाब से गा रहे हैं। स्टार्ट नंबर दे दीजिए। स्टार्ट का प्रोग्राम सेकंड स्टार्ट के प्रोग्राम के लिए लोग मतलब अपने गुरुकुल मिला है, मेंबर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये फर्स्ट मेगा शो है और सेकंड स्टार्ट गुरुकुल एकेडमी में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।